हे hey, नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइल सिस्टम क्या है और कैसे हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें फाइल सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। इसके अलावा FAT32, NTFS और exFAT फाइल सिस्टम क्या है और ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक यादव और आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों, चलिए आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फाइल सिस्टम। दोस्तों, वैसे तो आप फाइल सिस्टम क्या है इसके बारे में जानते होंगे कि किसी डिवाइस के अंदर हम अपना डेटा जिसमें सेव करते हैं उसे फाइल सिस्टम या फिर फाइल मैनेजर कहते हैं। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर के किसी फाइल सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो FAT32, NTFS और exFAT फाइल सिस्टम दिखाई देता है। तो ये सब क्या होता है, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि FAT32 क्या होता है। तो FAT32, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो दोस्तों FAT32 फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि फाइल एलोकेशन टेबल 32, जो कि 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये फाइल सिस्टम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, इसीलिए फाइल सिस्टम के यूनिवर्सल में भी कहा जाता है। FAT32 फाइल सिस्टम का यूज फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव में ज्यादा किया जाता है। वैसे फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम के पहले बहुत सारे वर्जन जैसे कि FAT8, FAT16 हो चुके थे जो विंडोज के पुराने वर्जन में चलते थे, लेकिन अब बाद में फाइल सिस्टम को बड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और उसे एडवांस बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि FAT32 फाइल सिस्टम की 4GB लिमिट होती है। कि FAT32 एक ऐसा फाइल सिस्टम है जिसमें हम केवल 4GB तक की फाइल को ही रख सकते हैं। मतलब कोई फाइल अगर ज़्यादा पड़ी है 4000 MB या उससे ऊपर के, तो हम उसमें डेटा नहीं डाल सकते। सिक्योरिटी इश्यू क्या है कि FAT32 फाइल सिस्टम में थोड़ी भी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें फाइल फोल्डर को लॉक नहीं कर सकते हैं। FAT32 फाइल सिस्टम को NTFS फाइल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। FAT32 फाइल को डेटा को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि NTFS क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो NTFS फाइल सिस्टम का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो 1993 में विंडोज NT के साथ रिलीज हुआ था। उससे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में VFAT, मतलब वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम का यूज होता था। NTFS फाइल सिस्टम का यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। अब हम इसके कुछ लिमिट्स के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो उसकी लिमिट दोस्तों, NTFS एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो 16 TB, मतलब टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज, NTFS फाइल सिस्टम न्यू फाइल सिस्टम है इसलिए हम इसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। NTFS फाइल सिस्टम में डेटा फाइल फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। NTFS फाइल सिस्टम को FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते और NTFS फाइल सिस्टम में डेटा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि exFAT क्या होता है। ठीक है, exFAT मतलब एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, जो 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फाइल सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट फाइल सिस्टम भी कहा जाता है। इस फाइल सिस्टम का यूज फ्लैश मेमोरी, USB फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड में किया जाता है। ठीक है गाइस, अब हम जानेंगे इसके कुछ लिमिट्स के बारे में। तो दोस्तों, exFAT फाइल सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है। इस फाइल सिस्टम में आप 1 PIB, मतलब पीटा टेल बाइट तक भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा है। यूज सभी SD, मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड में किया जाता है। exFAT फाइल सिस्टम का यूज बहुत सारे पार्टीशन बनाने, ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो। चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।